हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश वर्मा। आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि स्पेस की का यूज कैसे करते हैं, जो कि कीबोर्ड का सबसे बड़ा की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में एक ही की होता है स्पेस की, जो कि यहाँ पे स्थित है, और यह कीबोर्ड का सबसे बड़ा की है, जिसका प्रयोग हम अंगूठे के सहारे कार्य करते समय करते हैं। चलिए अब यूज जान लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला जो यूज है वो है कि दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्पेस, यानी कि खाली स्थान छोड़ने के लिए स्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे है और इस स्पेस की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ एक अक्षर का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दूसरा है कि जब हम विंडोज मीडिया प्लेयर के अंतर्गत जब हम कोई सॉन्ग को प्ले करके सुनते हैं, तो उस टाइम हमको पॉज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो सॉन्ग है ये प्ले होके चल रहा है, अब इसको रोकना चाहते हैं, तो पहली बार आप माउस के सहारे लेकर यहाँ से रोक सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये वीडियो चलने लगेगा, और फिर प्रेस करेंगे तो ये यहीं पे पॉज हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। और उसी तरह एक और है यूज, जब हम VSL मीडिया प्लेयर में अगर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, अगर हमको रोकना होता है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस की का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब ये प्रेस करेंगे तो रुक जाएगा, और फिर से जब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये चलने लगेगा। तो ये रहा हमारा तीसरा ट्रिक। और लास्ट चौथा जो है हमारा स्पेस की का यूज, वो है कि अगर आपके पास कोई भी विंडो खुली हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नोटपैड ओपन किए हैं, देखिए ये नोटपैड ओपन हो गया, यहाँ पे कॉर्नर में ये कंट्रोल बटन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सब है, तो इनका भी यूज शॉर्टकट तरीके में स्पेस की का यूज किया जाता है। जैसे अल्ट और स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे खुद ही ऑप्शन नजर आएंगे, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्टली आप अल्ट और स्पेस की प्रेस कीजिए, और एरो की मदद से आप इस पे जा सकते हैं ऑप्शन पे। आपको बड़ा छोटा या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो आप सिंपली वहाँ पे आइए और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपका ये बड़ा हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।